तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते कवालियां और उल्मा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट ऑडियो सीडी डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर टोपियां जुब्बे जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मुतल्लिका अशिया सस्ते दामों मिल सकती है। नाम याद रखें, तारक गिफ्ट सेंटर 12 कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड 8 टेलीफोन 01274775721 मोबाइल 07931587694। तारिक गिफ्ट सेंटर योर वन स्टॉप इस्लामिक शॉप 12 काला रोड ब्रैडफोर्ड BD88AD टेलीफोन 01274775721 एंड मोबाइल 07931587694 एंड आवर वेबसाइट www.tarikgiftcenter.com। क़िबला पीर साहब ने जो हमें प्रोग्राम दिया उसके मुताबिक बिल्कुल अमल किया गया है, और ये जो दोस्त पानी पिला रहे हैं इनसे अब गुजारिश है कि 30 मिनट के लिए, अब 30 मिनट के लिए मेहरबानी फरमाए, जिसने भी पीना हुआ जलसे के बाद पानी पी लेगा। अब मैं हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब अल मारूफ चकसवारी वाले उनसे गुजारिश पेश करता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और मुझे और आपको अपने बसीरत अफरोज बयान ज़ीशान से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। तमाम दो दुरूद पा पड़े وسلم عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حق حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جناب قبلہ عالم پیر طریق درابر شریعت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی علماء اکرام बुजुर्गो दोस्तो अस्सलामु अलैकुम। सब तो पहला तो मैं फरैजंग आले आलियां नूं दिली मुबारक पेश करदा जिन्हें इन्नी सोहनी मस्जिद बनाई। अल्लाह करीब इन्हां दे माल ते जान औलाद इज्जत आबरू च ला तादात बरकत अता फरमाए। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दी हदीस है, जिन्हां लोकां अल्लाह की रजा वास्ते मस्जिद विच इट भी इकलाई अल्लाह उहदे लई जन्नत च माल बनाएगा। तो तुसा इतनी बड़ी, हर बंदा यह चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा बंगला होवे, बहुत बड़ा गार्डन होवे, बहुत बड़ी सफाई होवे, कमरे खुले होण, सेंटर हीट भी होवे। लेकिन जिसने एक किट बनाई अल्लाह उसनू बहुत बड़े बड़े महल अता फरमाएगा। सिर्फ पता है वह नजर नहीं आ रहे। बोलो नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आव ना, मैं रात को एक थावे तकरीर कर रहा सी, उत्थे भी उन्हें मस्जिद वास्ते बुलाया मैं, मतलब वो भी तकरीबन यही बरादरी सी सारी मेरी, मतलब साढ़े मुंशी पहंदा खान साहब न तंग दो आजाद कश्मीर दे, तो लै गए कह जी असा भी मस्जिद की बुनियाद बड़ी तू पहला रखनी है। मैं उन्होंने कहा भाई कुराने पाक एक ऐसी किताब है, ये बहुत बड़ा समुंदर है, जितना समुंदर विच वोते खोर थले जाएगा इतने सोने मोती कढ़ेगा,
जितने चंगे गोता खोर वैगा ना ते चंगा गोता थले जान वाला इतने ओ लाल ते जवाहरात हीरे कट के लेगा। ऐसे तरह जेड़ा बंदा कुराने पाक नू पढ़ के उदे ते अमल करेगा ते कुराने पाक नू समझेगा, ज्यों ज्यों समझ ना जाएगा त्यों तू इलम दे मोती बखेर ना जाएगा सारे। इलम एक बहुत बड़ी नियामत है खुदा दी। इलम जेड़ा इस नाल अनपढ़ आलम नाल मिल सकता, बोलो पंजाबी चंदन, जिस तरह नेरा सवेरे नाल ही ना मिल सकता, इस तरह पढ़िया अनपढ़ मुकाबला दोनों का हो सकता, बोलो नहीं। लेकिन इस तरह जेड़ा नेकी नहीं करता, एक नेकी करता दोनों का भी मुकाबला हो सकता, बोलो नहीं। एक घर बैठे आ मस्जिद च नहीं आ, ना नमाज पढ़ी, ना कुरान पढ़िया, ना नमाज पढ़ी, तो जो चाहोंग 10 मिनट। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी दौलत तेरे नाल ना जाएगी, तेरी माँ तेरे नाल ना जाएगी, तेरा भाई तेरे नाल ना जाएगा, बड़िया दर्दा वाली बच्ची ना जाएगी, बेटा ना जाएगा, बीवी ना जाएगी, अल्लाह दे नबी केड़ी चीज जाएगी। फरमाओ मेरे गुलामो ना घबराओ, जिथे माँ बाप भैन भाई बीवी बच्चे औलाद दौलत बगला कोठी कार ना जाएगी, उस वेले जल तू कब्र विच कल्ला होवेगा तेरे नाल कुरान ते रमजान जाएगा, कुरान भी जाएगा, रमजान भी जाएगा, कब्र भी तू कल्ला होवेगा। ऐथे कल्ला होवे तक घबरा जाने, डर लगने कदे सोची छोटी जी कोठड़ी होगी, जिथे कोई सेंटर हीट ना होगी, कोई पखा ना होगा, कोई दूध का गिलास ना होगा, कोई चीज ना होगी। जिले तू कब्र विच कल्ला होवेगा घबरा जाएगा, जो ही घबराएगा ते पैरां ले पासे रमजान खलो जाएगा, सिरे ले पासे यारो कुरान खलो जाएगा, रमजान कहेगा या अल्लाह इनू भुख भी लगी सी, प्यास भी लगी हुई सी, डायबिटिक का मरीज सी, कुछ भुख बर्दाश्त नहीं थी कर सकता, ते कल्ला किचन विच सी, हाथ रोकन वाला कोई नहीं सी, जबान नाल ओढ़न वाला कोई नहीं सी, एदा हाथ पकड़न वाला कोई नहीं, भुख इनू लगी हुई सी, खाना मौजूद सी, पकौड़िया ते समोसिया की खुशबू खूब आ रही सी, ए भी कल्ले ही सी, या अल्लाह सिर्फ मेरा इत्राम कर ली तेरे तू डर गए, इसने अपना हाथ छिक लिया सी, या अल्लाह निरा कल्ला सी, कोई ठाकन वाला नहीं सी, वेखन वाला नहीं सी, तेरे तू डर गए, अज एथे कल्ला गा इथे कोई नहीं, या अल्लाह मैं भी सिफारिश करदा इन्हें मेरा इतराम किया, तू कब्र दा अज़ाब माफ़ फरमा दे। कुरान आ जाएगा, या अल्लाह इसने 8 घंटे फैक्ट्री कम किया, जोर जोर दर्द करता सी, ये बड़ा थकिया सी, कमरे दी कम नहीं सी करदी, या अल्लाह हड्डियां एदियां दुख दिया सी, पर जिस वेले इशा दा टाइम आया हफ्ते कुरान ने पढ़िया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसले कुरान शुरू किया यारो इदे मां ने जोश मारिया के हफ़ साहब दे पिछे, या अल्लाह मैनू सुन लग पिया, इसने सवा सपारा सुनिया है भी थकिया सी, लेकिन इसने चारपाई नू छड़ दिता, अपने राम नू छड़ दिता, मेरे इतलाम नहीं इतलाम लई घंटा खलोता रहा, अज या अल्लाह कब्र विच आ गया एक कल्ला गया, अज या अल्लाह कोई दा साथी नहीं, या अल्लाह दी मैं सिफारिश करदा अज़ाब कब्र दूर फरमा दे। फिर कब्र विच कौन गया? कुरान गया ते रमजान गया, बोलो कौन गया? कुरान गया ते रमजान गया, दोवें गए तेरी सिफारिश लई। जदू तू कुरान नू भी पढ़ेगा ते कुरान ते अमल करेगा, रमजान दा इत्राम करेगा। फरमाया फिर रमजान कितनिया बरकतां वाली, और ना बेनिया जगर तू एक पौंड देवे ते 10 दा सवाब, एदे विच एक देवे ते 17 दा सवाब। तुहाडा पता नहीं साडे उत्थे बर्मिंगम ये फैक्ट्रियां कुछ माड़ियां माड़ियां चलदियां ने, आ तो एक जनसियां अजकल वो कम दे रही उत्थे, जिसलै वो फोन करते हैं जनसी वाले ये दे रहे हैं 2 पाउंड ते 75 पैनिया, असी दे रहे हैं 5 पाउंड ते 70 पैनिया, वो उत्थे कोर्ट च वकीली नाल कोर्ट लाने फट 75 वाली जगह पै जाने 17 वाली जगह रहने दो, इतनी
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੂ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਪੜਾਂ ਤੇ 17 ਦਾ ਸਵਾਬ, ਹੋਰਨਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਫਲ ਪੜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੋਰਨਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਪੜਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਫਲ ਪੜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੂੰ 30 ਜਾਂ 39 ਦਿਨ ਵਕਫ ਕਰ ਛੋੜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਖੁਦਾ ਬੁਕਾ ਨੂਰ ਬਣਾ ਛੋੜੇਗਾ। ਯਾਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਿਆ ਯਾਸੀਨ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਇੰਨਾ ਕਲਮ ਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਪੜਿਆ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੋਲੋ? ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਆਣ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਫੋਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਆਏ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਕਰਾਮਤ ਕੁਸਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਯਮਨੀ ਕਾਰੀਆ ਸਕੂਲ ਲਾਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਸਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਲਾਣਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨਾ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਜੀ ਪੱਗਣਾ ਦਾਵਤ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ 9 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 9 ਬੰਦੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਕੁਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਮੀ ਗਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਤਕਾਫ ਇਕੱਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਨੀਯਤ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਅਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਵਣ ਮਸੀਤੀ ਲਗੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨੀਯਤ, ਮੈਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਰੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਦਮ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਤੇ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਾਜ਼ੰਗਾ ਆਲੀ ਮਸਜਿਦ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਕਦਮ ਪੱਟੇ, ਹੁਣ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਵੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ, 100,000 ਨੇਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 1,000 ਲੱਭੀ, 2,000 ਨੇਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੁਰਲੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਗੀਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼, ਚਿਹਰਾ ਧੋਣਾ ਅੱਲਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼, ਬਾਹਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼, ਉਸ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼, ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਾਫ਼, ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਤਨ ਤੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ, ਹੁਣ ਖਲੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂਡ ਅਪ ਸੱਟ ਛੁੱਡੋ, ਰੈਫਲ ਸ਼ੈਫਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਨਾ
आंदा या अल्लाह मैं गुनाहगार हां मुजरिमां मैं हैंडा बुजोगियूं मैं तेरी बारगाह विच हाथ झुक लेनी या अल्लाह मैं मुजरिमां हाथ बन लेनी हाथ बन के गर्दन झुका दीती ते सजदे आली थावें निगाह पा दीती ते पढ़न ला पिया नमाज उसने जिले रुकू गया अल्लाह फरमांदा फरिश्तिया इस बंदे दे गुनाह की गठड़ी चुक गया दरवाजे कोल टुर जा उसने नमाज पढ़ी फारग हो गया सलाम फेर गया दुआ मंगी या अल्लाह गठड़ी किधर करा रब आंदा मैं अपने यार दे सदके मेरे यार दियां सुनतां भी अदा कीतियां मेरे यार दे तरीके दे इसने इबादत कीती ए फरिश्तिया मैं इस बंदे दे पिछले गुनाह माफ कर छोड़े नी बंदा मसीती है कदम ना टुरिया पहला कदम दे गुनाह फिर जाहिरी गुनाह फिर जले मसीती खलोता तो अल्लाह ने बातनी गुनाह भी फिर आखे चुक ले जरा गौर कर कितना फायदा है तेरा मस्जिद भी चावने ना फिर इबादत है एक ही लफ्ज में आके बोलो इबादत है फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम दी हदीस है बागा उलमा इकराम दा जम्मे गफीर है कि बिरादर साहब भी तशरीफ फरमान मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है कंजूस इबादत गुजार नालू फासिक सखी दा दर्जा अल्लाह दी बारगाह विच चोखा गा कंजूस इबादत गुजार नालू फासिक सखी दा दर्जा अल्लाह दी बारगाह विच बोलो चोखा है सखी दा दर्जा अल्लाह दी बारगाह विच चोखा है मैं कुर्बान जावा मेरे आका मेरे मौला जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किसी सवाली नू खाली बोलो मोड़िया सारी जिंदगी खाली मोड़िया नहीं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद चंदा मंगया मस्जिद नबवी है नबी पाक ने लाल कीता मेरे गुलामो मनु माल चाहिदा है आ मेरे गुलामो सामने नबी करीम दा गुलाम हसबे तौफीक माल पेश कर दिता नबी करीम दा यार आ गया यार भी ओ नबी दे सामने आया जेड़ा टुरदा जमीन ते तो उस्मान ते फरिश्ते या कर दे यार सजदना उस्मान गनी फरमाया उस्मान गनी हालांकि को तुक नहीं बनना बंदा उजड़िया पुजड़िया आवे माजर होके आवे तो फिर नबी उन्हें माजरा कुलू चंदा पिया मंगना गा फरमाया उस्मान गनी आज चंदा चाहिदा है अर्द की यार सुल्ला मैं समझ गया खुश हो मैं आप दी बारगाह च 100 ऊंट पेश कीता कितना ऊंट पेश कीते बोलो 100 नबी पाक मुस्कुराए मुस्कुरा के फरमाया उस्मान गनी चंदा तो तू बहुत दिता अज मनु और भी चाहिदा गा अर्द की यार सुल्ला 100 और दे छड़िया 200 ऊंट ये कुरान पाक च वाकई जा फिर तीसरी बारी मेरे नबी मुस्कुराए फरमाया उस्मान गनी आज और चाहिदा अर्ज की कमलिया ले 100 रह गया मैं वो भी आप दी बारगाह च पेश कर छोड़ा 300 ऊंट पेश कर दिता जिस वेले जिले पेश कर दिता नबी पाक मुस्कुराए ना तो मुस्कुरा के वेख के फरमाया उस्मान गनी बहुत बड़ा तू दिता चंदा आज मनु और भी चाहिए आप अपनी प्यारी बीवी नबी कौनैन की साहबजादी हजरत कलसूम सब कह दे रजी अल्लाह ताला ना उन्होंने कोल गए कह लिया कमली वाले की साहबजादी है मेरी प्यारी बीवी आडे तो अब्बा जी चंदा मांग रहे तेरे को कुछ है तो दे दे आप को जितनी अशरफियां और जो कुछ है सी वो आपने अपने उस रुमाल कपड़े च पा के आकर नबी करीम दी नबी पाक ने कपड़ा किया सारे लड़ दिते नबी पाक ने खड़का रहे उन्होंने कहा जो नहीं पौंड होने ते 50 फैनिया वो खड़कनियां तो नबी पाक हो अज तू बाद उस्मान गनी का गुनाह कुछ नहीं बिगाड़ सकता हाय आया अज तू बाद उस्मान गनी का गुनाह कुछ बिगाड़ सकता बोलो नहीं मैं कुर्बान जा उस्मान गनी जे नबी दिया गुलामा नू पानी दी तकलीफ आई ते यारो मदीने पाक खूह खरीद के नबी पाक दे ना दा वक्फ कर दिता ते मस्जिद दी तौसी आई ते अपना सारा माल नबी पाक दे ना दा वक्फ कर दिता जे जंतुल बकीच नबी करीम दे गुलाम हजरत ज़ैद बकरियां लेके जा रहे यहूदी ने आख्या मुसलमानों जे बकरियां चारनिया ने जाओ अपने नबी नु कहो पहला चरागाह खरीदो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे गुलाम हजरत ज़ैद वापस आ रहे सी फरमाया क्यों आ गए आंदा मेरी चरागाह फरमाया गल कर पैसे कितने नहीं दे वो आंदा इतने आपने फरमाया ले लिख लिख के सहन करके नाल छल्ला सहन की दे नबी दे ना ते वक्फ कर छोड़िया आया आया ये सारी जड़ी जंतुल बकिया सईद उस्मान गनी दी है
जितनी जनतुल बकिया सारी सईदना उस्मान गनी ने बोलो वक्फ कीती है। हुण सुन लो नबी करीम अलैहिस्सलाम सलाम दा एक गुलाम है बड़ा गरीब। दो किस्म दे गरीब, एक गरीब दिन क्यामत नहीं होवेगा जिस कोल नेकी को नहीं होण लगी। ओ बेटी की कहवेगा है बेटी तू मैं तेरा बाप हाँ, मैं बड़ी मुश्किल नाल पैसे कमा के तेरी खिदमत करदा रहा। वो आखे भी तू मेरा डैडी ने तू कदू मेरा बे है बेटा, मैं तेरे लिए मकान बनाया पिछे बनाया इथे बनाया, मैं कैश करा के तेरे वाले करके आ गया, कोई एक नेकी दे। आखेगा बा तू मेरा बाबी अबे को ने तू कदू डैडी ने मेरा। सारे बोलो सारे साथ छोड़ जाएंगे हूं तो जो जाए, पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे गुलामो जिन्ना लोगों ने अपना माल मेरे राज अल्लाह की रजावत खर्च किया दिन क्यामत के बाद पहुंचे उन्होंने पहाड़ा जेडे जेडे मतलब माल नेकिया दे लगे होंगे जिन्हें थोड़ा थोड़ा अल्लाह दी रात दित्या वेगा। मैं गल कर दी बंदा बड़ा गरीब सी, बंदा गरीब सी, उस आखे चंदा कोनी चलो राती मजदूरी करो भाई, खजूरा मिलिया सारी रात यहूदी दे बाग नू पानी देन दिया पांच शेर, ढाई शेर बच्चा वास्त रखिया ते ढाई शेर जनाबे मुहम्मद मुस्तफा दी बारगाह चक पेश कर दिया। हथा नू छाले पै गए, सारी राती वो चरखा जा गेड़दा रहा पानी कढ़दा रहा, गरीब सी वाह वाह आरफे खड़ी पढ़ छोड़ा शेर आखो ते पढ़ दे शेर तुम पता है शेर तो मनु हमने मियां साहब फरमा देना सब चीजा तू पैड़ी चीज यारो ओ जिसदा नाम गरीब ओ सके कोलू मुँह छुपा के लंघ जावण जेड़े रिश्तेदार करीबी पर फरमाया अगर कोई खानदान है खानदान है वो किसी खानदान नाल नेकी करो नेकी करने तो बाद तुसी भुल जाओ पर जेड़ा खानदान ही होगा ना कई नस्लों तू बाद भी मिलेगा तो क्या किस मेरे प्यो दादे नाल इस नेकी की से उस वेले जेड़ा खानदानी है की मैं लफ्ज़ आख्या बोलो जेड़ा खानदानी है ना जिदा अंदर ईमान आला खानदान जागदा उधर नेकी करो तो कई नस्लों तू बाद मिले की दादे नाल तो आख्या गया वो बंदा जिस मेरे दादे नाल नेकी की से तो मियां साहब दा तर्जमा किते आ फरमांदे न असलां नाल जे नेकी करीए ओ असला नाल जे नेकी करीए ते नसला तक ना भुलू दे बे असला नाल जे नेकी करीए ओ ते उल्टियां चाला चल दे मौलाना रूम अला रामा गल की थी। चलो बात की बात निकल आई है कि दो एक परिंदा भी मां सी खाना एक दरिंदा भी मां सी खाना गोश्त की कच्चा खाने परिंदा आभात है जरा आप शिकार करके मार कर तो दरिंदा शेर है गल कि नहीं बोलो वो शेर सी ना जरा वो की होया अरनी मूडे ते चाई सट्टी तो पानी पुलाण लगा जा दरिया ते अकाब ने तकिया मारो ये अजीब है इस जमाना और क्यामत आ गई है इस शेर ने हरनी जड़ी खुराक उसकी चुकया तो उदा नौकर बनया उसकी पानी पिलाने लगा जाना उस आखो ये की कदू नहीं है तुसा नहीं कोई आपे गलबात हो गई है तेरी तो खुराक है उस आखे है खुराक है पर मैं जंगल का बादशाह हाँ मेरी छिड़ी मर गई मेरे दो निके निके बच्चे रह गए ये हरनी आ गई साखा मैं तेरी शान दे लायक थे ना पर जे तू आखे मैं अपना दुध पेश कर दी तेरे बच्चों में खिदमत पेश कर सकती हूँ मैं उस आखा पिला दे इन्हें मेरे बच्चों को दुध पिलाया तो मेरे बच्चे जवान हो गए ये हूँ बुढ़ी हो गई जी इसकी तो गिदड़ भी नहीं ना छोड़ना उन्हें छहरी की नसल जी नहीं सोना इसकी तो मतलब है कोई सब तू कूड़ा जानवर गिदड़ है वह भी नहीं छोड़ना इसलिए मैं नाले राखी करना नाले खुराक नहीं हिफाजत करना है
नाले इसकी पानी पिलाना है, इसलिए किस मेरे नाल नेकी कीती सी। अगू आप फरमान बाजा आखे चलो असि नेकी करिए, की करिए बोलो। बाज की नजर ते असी चूहा रुड़ना जाना सी पानी उन्होंने कह मारिया ने छट तो चूहे पौड़िया सर्दी ना ठटंबरिया पानी सी ठंडा उन्हें चुका तो जाकर दरख्ता से जिता अपने दो निके निके बच्चे से कुछ दिनों ने बिच रखा धुप लगी ना तो वह तो शिकार तो टुर गया जल्द आस ठीक ठाक होया ना सब तो पहले उन्होंने दो बच्चे मार छोड़े बच्चे बिस्मिल्ला पढ़े बच्चे मार के आलना जरा बादल पट पुट के खुराब करके तो गया दरख्त रह पै गया जल्द मुड़का आया ना तकिया बच्चे मोए घर पट्टे वह दौड़ के सीधे शेरे को आ गए उन्हें आख्या चंगा नेकी ना राह दसी असी तो उतर हो गया नेकी करने करने ए नेकी है असर तू आख्या भी मैं नेकी करना प्यारनी की पानी पिलाना उस आख्या बाजा नजर का तो तेज है प्या अकल का तेज ने की उस आख्या नजर का तू तेज है सब परिंदा अगर सब तू तेज नजर आ जाए बोला वाणा लिखे मेरे को मौजूद है सब जानवरों चो अगर नजर तेज है तो आकाब नहीं है जरा कितनी दूर तो होना गा ते छोटा जा बटेरा मोठा ने बूटे चो ना तो तक लेना ये उसकी नजर है लेकिन उस आख्या नजर का तेज है दिमाग का तेज ने से और नेकी कर लगे पहला तकी ना नेकी कर किस ना लगाया मैं हाँ जे नेकी कर दिया तो कुछ नाल नेकी कर ना चूहे ही लब्भा सी आ गया तमिया साहब बोल पे आप खड़ी बोल पे उसका जरा तनु मार गया तमिया साहब फरमान याद रखो नीचा दी अशनाई कोलो ते किसान फल पाया किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्मा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब आ फरमांदे ने नीचा दी अशनाई कोलो ते किसा नहीं फल पाया किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया किकर दे अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया वाह चुली पत्र पाटे ते नाले सले दाने चो चो रस दुमीन दे डिगी ते मुड़ कठे किस लाने असला नाल जो ने क्या बात ओ असला नाल जैने की करिए ते नस्ला तक ना पुलू दे बेसला नाल जने की करिए ते उल्टिया चाला चल दे लेकिन मेरे नबी पाक जो गुलाम जरा गौर करो मेरे आका मेरे मौला गल कर रहे सी गरीब दी मेरे आका मेरे मौला जनाबे मोहम्मद मुस्तफा दी बात वो जल्द खजूर आ धरिया ना तो नबी पाक ने खजूर लोग बहुत सारिया दतिया सी आपने गए छटा मारिया उपर हजरत अकरमा फरमान यार सुला नाल ही तर छोड़ा छटा मार दी फरमाया जिस वेल कोई चीज सवारी जाए ना तो सवार ने तू बाद उस टिक्का लाया जाना गा फरमाया थोड़े सारे को मौजूद सी ये मेरा गरीब ओ गुलाम है तुसी सारी राती सुते रहे सारी राती जोधी दा खूह गेड़दा रहा फरमाया सारी राती खूह गेड़दा रहा उदा चरखा गेड़दा रहा और इन्हें अद्धिया घर रखियां ते हथां ते छाले पए होए लेकिन मैं इहदे ईमान नूं दा दिना जिसने सारी राती जाके सुबह अपना हिस्सा पा छुड़िया
ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਕਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਟਿਪਟਨ ਵੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 500,000 ਹਸਤੀ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ 1,40,000 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 500,000 ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਤਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1,40,000 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਕੀ ਲੈ ਬੋਲੋ ਤੁਸਾਂ ਉੱਚੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਾਇਜ਼ੰਗ ਹਾਲ ਆ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਫਰਾਇਜ਼ੰਗ ਹਾਲ ਆ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਰਮਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਹਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੋ ਗਿਆ ਆਪੂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ 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 ਆਪੂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਰਮੀ ਗਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 20 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਜਸ ਲੱਭੀ ਜੋ ਤੌਫੀਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਿੱਛੂ ਜਾਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗਦਿਆ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਡਮਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਚਕਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੌਫੀਕ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ 5 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗਰੋਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੰਨਤੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੀ ਤੀਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੀ ਗਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।